दोस्तों, मैं नीता विक्रम के 11वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको करवा चौथ की तैयारी के बारे में बताऊंगी और इस दिन किस तरह पूजा करी जाती है वह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। करवा चौथ की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एक शॉपिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या लाना है। आपको एक अच्छा सुंदर सा करवा खरीदना है, क्योंकि ये उपहास हम अपने पति के लिए रख रहे हैं, तो करवा भी बहुत प्यारा सा होना चाहिए। और हमें चाहिए एक छलनी, और पूजा का सामान चाहिए हमें, जिसमें है नारियल, एक लोटा, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, रोली, कुमकुम और पिसी हुई हल्दी, चावल, गेहूं, और इसके अलावा लाल कपड़ा, पान के पत्ते, फूल माला, फल, जो भी उस मौसम में फल हो, मिठाई या जो आपने प्रसाद बनाया हो वह भी आप पूजा में रख सकते हैं। एक चौकी चाहिए और उस पर बिछाने के लिए एक कपड़ा, और आपके बैठ के पूजा करने के लिए आसन भी चाहिए। अगर आप करवे के अंदर सीके लगाते हैं तो आप वह भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार सभी पूजा का सामान ले आइए, फिर उसके बाद आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन आपका उपास रहे आप उस दिन पहनने के लिए नए कपड़े या जो भी साड़ी आपको तैयार करनी है वह भी करा के रख सकते हैं। सुहागन स्त्रियां इसके एक दिन पहले से हाथों में मेहंदी लगाना इत्यादि कार्य कर लेती हैं। तो जिस दिन आपका करवा चौथ का उपास है, अगर आप उस दिन सुबह उठ के सरगी खाते हैं तो यह आप सूर्य उदय से पहले यानी सुबह 4 बजे के समय पे उठ के आपको खानी होती है। यह सरगी आमतौर पर सासें अपनी बहुओं के लिए बना के देती हैं। इसमें वह मीठा देती हैं, कुछ पराठे या फिर इस तरह का सामान होता है, जिसे खाकर बहू उपास शुरू करती है। अगर आपके यहाँ सरगी खाने का चलन नहीं है तो आप सुबह से ही निर्जला व्रत उपास शुरू कर सकती हैं। जब से सूर्योदय होता है तब से लेकर सूर्यास्त तक ना ही आपको कुछ खाना होता है ना पीना होता है। इस प्रकार आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं। जब आप सुबह सो के उठें उसके बाद आप नहा धोकर भगवान शिव के सामने संकल्प लें कि यह आपका करवा चौथ का उपास बहुत अच्छे से दिन भर आप रह पाएं, आपके पति की अच्छी लंबी आयु हो और आपके पति को हर तरह के संकटों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक मंत्र है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी। अगर आप वह बोल पाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने भावों द्वारा या अपने नॉर्मल बातचीत की भाषा से भी भगवान से बात करेंगे तो उन्हें वही संदेश मिलेगा। देखिए, पूजा में सबसे मेन काम होता है भावों का। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आप इसे क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप खुश फील कर रहे हैं, तो आपकी पूजा सबसे ज़्यादा फलित होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर जब आपको पूजा शाम में करनी है उससे पहले आप पैरों में भावर लगा लें। जो भी आपके सुबह का सामान है आप वह सब खुद भी धारण कर लें, जैसे बिछिए, पायल, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और जो भी सजना सवरना आप कर सकते हैं यथासंभव हो के आप अपनी तरफ से अच्छे से पूजा के लिए एकदम तैयार हो जाए। बहुत सारे लोग इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहनते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आपको जिस भी तरह से तैयार होना है आप करवा चौथ के लिए अच्छे से एकदम तैयार हो जाए। और पूजा की तैयारी करने के लिए आप इसे दिन में 4-5 बजे ही पूजा की तैयारी शुरू कर दें। जहाँ आपको पूजा करनी है आप उस जगह को अच्छे से साफ करें, वहां पर आप एक चौक बना लें। चौक बनाना मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसके लिए आप जमीन को पोंछा करके उसके ऊपर चौक बनाने के लिए इस तरह से बना सकती हैं। सबसे पहले एक प्लस बना लें, फिर क्रॉस बनाएं और यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बनाते हुए इसे जोड़ दें। यह आप आटे का बना सकती हैं, हल्दी या कुमकुम का बना सकती हैं। इस तरह से अष्टकमल दल का एक चौक आप बना लें। इसके ऊपर आप चौकी रखेंगे, उस चौकी पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा इत्यादि लगा देंगे। फिर आप एक शंकर भगवान की फोटो रखिए वहां पे, जहां उनका पूरा परिवार हो। शंकर भगवान, माँ पार्वती, गणपति जी, ये सब होने चाहिए वहां। अगर आपको वर मारना आता है तो आप अपने हाथों से वर बना सकती हैं, जिसकी हम करवा चौथ के दिन पूजा करते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट में पेज मिलते हैं वह ला सकती हैं। वह भी संभव नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगी जहां से आप ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसका प्रिंट निकाल के उसकी पूजा कर सकते हैं।
तो आप इतनी तैयारी कर लें, उसके बाद जो पीला कपड़ा है उस पे एक दाएं हाथ की तरफ थोड़े से चावल रखें, कलश अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो कलश में आप एक साबुत सुपारी डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, पानी भरिए, ऊपर से आम के पत्ते, अगर वो ना मिले तो अशोक के पत्ते लगाकर, नारियल लगा के कलश स्थापित करके वहां पर रख दें और उसके ऊपर एक कलावा बांध दें। कहाँ जहाँ लोटे का मुंह रहता है उसके ऊपर आप एक कलावा बांध देंगे तो आपके सभी देवी देवता उस कलश में स्थापित हो जाएंगे। अब इसके बाद हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। आपने जो करवा लाया है, बहुत सारे लोग उस करवे को शक्कर के बूरे से भरते हैं, कई जगह यह करवा गेहूं से भरा जाता है, कई लोग इसमें मिठाइयां भरते हैं, तो कुछ जगह इसमें पानी भरा जाता है। करवे को भरने से पहले उसे अच्छे से धो लें और उसके ऊपर 13 बिंदियां लगा लें, या हल्दी से लगा सकते हैं आप। इन 13 बिंदियों को लगा के आप जिस भी तरह करवा भरना चाहें उस तरह भर लें। आमतौर पर प्रचलन यह है कि लोग इसे मिठाई से या पुए से भरते हैं। इस तरह से आपका करवा भर के तैयार हो जाता है। और जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं उससे पहले वहां आप एक और लोटे में पानी भर के रखें। यदि आप बहुत सारे लोगों के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप करवा किसी के भी साथ बदल सकते हैं, पर यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप उस समय अपना करवा माँ पार्वती को वहां साक्षी मान के आप उनके साथ बदलेंगे। तो जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं वहां पे आप दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, के लिए नमन करेंगे, वहां पे जो आपने सुपारी पे कलावा बांध के गणपति जी रखना चाहिए। अगर आपको पीली मिट्टी की गौर मिल रही है तो आप वह रख लें, अगर वह संभव ना हो तो आप एक सिक्के के ऊपर कलावा बांध के गौर को रखिए। तो जो गणपति भगवान है आप सबसे पहले उन्हें टीका करिए, माँ गौरी को टीका करिए और गणपति और वहाँ पे जो शिव जी का पूरा परिवार है उन्हें तिलक करिए। जो आपने वर्फ की वहाँ फोटो रखी है उसमें तरह तरह के चित्र होंगे, कुहार का चित्र, चांद, सूरज, सभी को आप टीका करिए और सब पे चावल चढ़ाइए। इस तरह आप अपनी पूजा शुरू करिए, कलश को भी टीका करिए और वहाँ पे सभी चीज़ों पे आप फूल चढ़ाइए, वहाँ जो आपने प्रसाद ला के रखा है वह सब चढ़ाइए, पूजा शुरू करिए। अब आप हाथ में 13 दाने ये चावल के लेंगे और संकल्प करेंगे। बहुत सारे इस दिन हमारे पास जो सास के लिए हम अपने सुहाग का सामान लाते हैं उसको मनसना होता है, और तो आप उसको भी वहाँ पर हाथ में 13 दाने चावल के लीजिए और उसको मनसिए कि यह मैं अपनी सास के लिए लाई हूँ और यह उनको मैं अर्पित करने वाली हूँ। इस प्रकार क्या क्या आप वो 13 दाने चावल के उस चीज़ पे डाल दीजिए जो आप सुहाग का सामान या जो भी सामान आप अपनी सास के लिए लाई हैं। और जब पूजा आपकी खत्म हो जाएगी तो आप उन्हें पैर छू के, सास वहाँ हो तो उन्हें दे दीजिए, अगर सास नहीं है तो कोई भी सास समान स्त्री हो उन्हें दे दीजिए, शुरू कर सकते हैं। अब आप वहाँ पे करवा चौथ की कथा पढ़िए, यह भी मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में बताऊंगी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपसे शेयर करूंगी, तो आप करवा चौथ की कथा किस प्रकार है वह आप देख सकते हैं। करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद आप वहां पे करवा जो रखा है आपने, आप उस करवे को बदलेंगे। यह करवा बदलने के लिए हम इसे 7 बार बदलते हैं। जैसे यदि आपका करवा दाएं हाथ की तरफ रखा है और माँ पार्वती का बाएं हाथ की तरफ, तो आप दोनों करवों को एक साथ उठाएंगे, फिर अपना करवा जब माँ पार्वती के करवे की जगह रखेंगे तो आप बोलेंगे सुहागन सुहाग दे, और जब आप माँ पार्वती का करवा अपने लिए रख रहे हैं सुहागन सुहाग ले, क्योंकि माँ पार्वती आपको सुहाग दे रही हैं। इस तरह करते हुए आप बार बार वो करवे उठाएंगे और अपना करवा माँ पार्वती को देते वक्त बोलेंगे सुहागन सुहाग दे, और माँ पार्वती का करवा लेते वक्त बोलेंगे सुहागन सुहाग ले। तो जब आप इस तरह आखिरी बार 7वीं बार करेंगे तो माँ पार्वती का सुहाग आपके पास आ जाएगा, जो उनका आशीर्वाद होता है। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप वहां पे हवन कर सकते हैं। यह हवन आप आम की लकड़ियों को जला के या किसी भी शुद्ध लकड़ियों को जला के या गोबर के उपले के ऊपर अग्यारी दे के, 5 या 9 आहुति की अग्यारी आप वहां करके इस तरह हवन कर सकती हैं। ओम पार्वते नमः, ओम नमः शिवाय, इन किसी भी मंत्रों के द्वारा आप वहां पे हवन कर सकती हैं। यह एक छोटा सा हवन होगा और इसके बाद आप आरती करेंगे और आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। ये वहां भी कर सकती हैं। जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तो वहां पे आप
पूजा की जो थाली है जिसमें आपने रोली, चावल, मेवा, मिठाई और फल इत्यादि रखे हुए हैं, पानी रखा है, आप वह लेके जाएंगे। आप सबसे पहले चंद्रमा की तरफ देखते हुए उन्हें रोली, चावल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, फिर उन्हें मिठाई अर्पित करेंगे, जो भोग आपने रखा है वह अर्पित करेंगे। उसके बाद छन्नी से देखते हुए चांद को आप अर्घ देंगे। ये अर्घ का पानी वहाँ पे जमीन पे ना गिरे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वहाँ एक दूसरा बर्तन रख लें। इस तरह आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और वहाँ एक सुंदर सा दीपक जला देंगे और यह जलाते हुए थाली घुमा के चंद्रमा की आरती उतारेंगे। इस तरह आप चंद्रमा की पूजा कर लेंगे कि लंबी आयु के लिए रखा है। और इस तरह आप उनकी पूजा करिए और उन्हें मिठाई खिलाइए और छलनी से उनका चेहरा देखते हुए उनकी आरती उतारिए। इसके बाद आप पति के पैर छू के, जिस तरह आपने सभी भगवानों के पैर छुए होंगे, आप उनके भी पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर एक नया वीडियो लेके मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।